सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हुए हैं मथुरा घूमने के लिए, और मथुरा की लोकेशन बढ़िया है। यहाँ एक मंदिर है, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ दिखाऊँगा अच्छी तरीके से। और बहुत मस्त व्यू है यहाँ का। मैं भी पहली फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इस मंदिर में, और ये कई बार आ चुका है। हाय गाइस, तो अभी देखते हैं फिर। और यहाँ का व्यू भी बढ़िया है, तो दिखाता हूँ मैं भी आपको फिर। तो गाइस, यहाँ का मंदिर काफ़ी अच्छा है देखने में, और इधर देखिए यहाँ गार्डन भी है। काफ़ी अलग अलग तरीके के गार्डन बने हुए हैं बच्चों को खेलने के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। और व्यू तो क्या ही बताऊँ, क्या ही व्यू है रात को यहाँ पे। सब यहाँ लाइटें वगैरह सब डेकोरेशन किया हुआ है बढ़िया। रात को यहाँ ऐसा लगता है ना जन्नत में आ गए एकदम। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का, और क्या ही मैं कुछ मुँह से बता नहीं सकता हूँ। मैं आप लोग को दिखाऊँगा, आज तक पूरा ब्लॉग देखना है। और फिर आधा सूट तो शाम को होगा, जो यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट वगैरह होगा तो शाम को ही दिखा पाऊँगा। मैं तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा दिन में। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ का घूमने आया मथुरा में, तो इधर उधर की सब छोटी मोटी लोकेशन दिखाता हूँ बाहर इस मंदिर से जाके। और तो गाइस, मैं आपको मंदिर का अंदर का व्यू दिखाता हूँ कैसा मंदिर अंदर से। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मस्त है, एकदम बढ़िया व्यू दिखेगा अंदर से। और अंदर का व्यू दिखाता हूँ मैं, रात में तो कुछ ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं, रात में तो खाली डेकोरेशन ही दिख पाएगी। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का व्यू, और फिर चलते हैं। तो अभी अंदर का व्यू देखते हैं भाई। काफ़ी बड़ा मंदिर है, क्या ही मस्त व्यू है। अंदर का दिखाता हूँ मैं, अंदर का व्यू देखिए गाइस। मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, इधर व्यू देखो यहाँ का, क्या मस्त व्यू है। मस्त पंखे लगे हुए हैं, सब लोग आराम से इधर बैठे हैं। सी अंदर चल, सी चल वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे एक गुफा बनी हुई है, मस्त गुफा भी दिखाता हूँ मैं अभी। गुफा में एकदम मस्त डेकोरेशन करी हुई है, और गुफा में अंधेरा भी रहता है, तो अंधेरे में लाइट वगैरह बढ़िया एकदम मस्त दिखेंगी, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ रास्ता बंद कर दिया भाई साहब ने, तो भाई गुफा ढूंढ रहे हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है, गुफा मिल नहीं पा रही है हम लोग को, पीछे रह गई शायद, देखते हैं अभी। भूल भुलैया मंदिर है ये, इतना बड़ा है कि हम लोग खो गए हैं। इधर भी तो फाइनली गुफा के पास आ चुके हैं, और दिखाता हूँ मैं। क्या मस्त व्यू है यहाँ का, डेकोरेशन देखो भाई एक नंबर है। क्या लग रहा है यहाँ, ये मंदिर बिल्कुल जन्नत लग रहा है। मस्त पंखे लगे हुए हैं अंदर। जय गुरुदेव नाम से ये मंदिर जाना जाता है, जय गुरुदेव महाराज के नाम से। भाई यार, कभी मथुरा आओ ना तो ये मंदिर जरूर देखना। अगर ये मंदिर नहीं देखा ना मथुरा, हम तो कुछ भी नहीं देखा है। इधर नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, एकदम मस्त लगता है इधर आके। ऐसा लगता है ना कहाँ ही आ गए हैं, बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हैं ऐसा लगता है। मस्त एकदम अलग ही फीलिंग आती है यहाँ के। तो फाइनली गाइस, मंदिर घुमा चुका हूँ मैं आप लोगों को, और रात का भी व्यू थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। तो अभी घूमते घूमते लगी है भूख, कुछ खाने का देखते हैं फिर, कुछ खाने वाने के लिए चलते हैं। और काफ़ी तेज़ी से भूख लग रही है, घूमते घूमते थक गए हैं, और दो तीन दिन यहीं रुकना है, तो चलते हैं फिर देखते हैं। कुछ खाने वाने की व्यवस्था होती है, तो अभी चलते हैं इधर। और भाई एक मेन चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, दिखाता हूँ अभी। देखो यहाँ ये जो मंदिर है ना, इसमें ये सर्कल टाइप के बने हुए हैं ना, ये जो दिख रहे हैं भाई, ये सोने के बने हुए हैं टोटल भाई। प्योर सोना लगा हुआ है इसमें एकदम। और भाई मथुरा में आओ तो ये मंदिर तो ज़रूर घूम के जाना भाई। मथुरा में आओ और ये मंदिर नहीं घूमा तो बेकार है आपका मथुरा आना, क्योंकि ये काफ़ी एकदम बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। और बहुत बड़ा मंदिर है ये भाई, और
बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ। और इतनी भीड़ होती है ना आज शाम को, तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। अभी तो कोई भीड़ ही नहीं हुई है, आज शाम को इतनी भीड़ हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी, यहाँ गार्डन वगैरह भी बने हुए हैं एकदम मस्त। अंदर आके तो ऐसा लगता है ना जन्नत में आ गए, एकदम अलग ही व्यू आता है यहाँ का। फाइनली गाइस पूरा मंदिर घूम लिया है और अभी जा रहे हैं, फिर भूख लग रही है तो अभी कुछ खाने के लिए चलते हैं फिर, और मस्त भी दिखाते हैं अंदर का। भाई गोलगप्पे ठेले पे आ चुके हैं, गोलगप्पे खा लिए हैं। गोलगप्पे खा के मजा आ गया, कुछ और खाने के लिए चलते हैं अभी। मोमो खाने के लिए आ चुके हैं और भूख लग रही थी तो अभी मोमो खाएंगे, फिर मोमो खाने के बाद फिर चलते हैं कहीं और दूसरी लोकेशन पर शूट करने के लिए। मोमो आ चुके हैं और खाते हैं अभी बढ़िया। भाई चटनी तो दो यार, ये आई चटनी। भाई दूर की जगह पर तो ऐसे ही खाने को मिलता है।